नमस्ते, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू ऑल टू द अनदर एपिसोड ऑफ द सीरीज द कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नाउ वी हैव द कैरेक्टर ऑफ बसानियो। चलिए बात करते हैं बसानियो के कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, बसानियो एक यंग जेंटलमैन है वेनिस का। ही इज अ यंग जेंटलमैन ऑफ वेनिस। ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज ही इज एंटोनियोस बेस्ट फ्रेंड। पिछले वीडियो में वी हैव टॉक अबाउट एंटोनियो एंड बसानियो इज एंटोनियोस बेस्ट फ्रेंड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ही इज लीडिंग हिज एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल बियॉन्ड हिज मींस। इसका मतलब ये है कि जितना का उसे जरूरत नहीं है उससे ज्यादा वो खर्चा करता है, और सारे खर्चे ये लोन ले लेके करता है। ऐसा नहीं है कि खुद का ही पैसा है, बट दूसरों से लोन ले लेके अपने सारे खर्चे करता है। मूविंग फॉरवर्ड, ही इज इन फ्रीक्वेंट डेब्ट एज ही कीप्स आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड एंटोनियो। वो हमेशा कर्ज में रहता है क्योंकि वो हमेशा अपना खर्चों के लिए अपना बेस्ट फ्रेंड जो कि एंटोनियो है उससे उधार लेते रहता है। और जस्ट बिकॉज एंटोनियो इज सच अ नोबल पर्सन एंड ही लाइक्स टू हेल्प अदर्स, ही वो कभी मना नहीं करता है। एंटोनियो कभी भी बसानियो को पैसा के लिए मना नहीं करता है। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले बसानियो इज इन लव विद पोर्शिया। बसानियो पोर्शिया के प्यार में रहता है और वो उससे जाके शादी करना चाहता है। सो व्हेन यू विल रीड द प्ले यू विल कम अक्रॉस अ वेरी कॉमन टर्म वू। सो वू मीन्स व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू गेन लव इन टर्म्स ऑफ मैरिज। बेसिकली यू कैन से व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू प्रपोज समबडी, सो दैट इज कॉल्ड वू। मतलब अगर कोई किसी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग वू कहते हैं। Now we have to understand this, कि पोर्शिया एक नॉर्मल सिटीजन नहीं है। शी इज दी लेडी रिचली लेफ्ट इन बेलमोंट। मतलब वो बेलमोंट की राजा की बेटी है। पोर्शिया के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैं इस पॉइंट्स को और अच्छे से समझाऊंगा। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉटरी ऑफ द थ्री कास्केट विच वॉज सेटअप बाई पोर्शियाज फादर लेट किंग ऑफ बेलमोंट। मतलब पोर्शिया के जो पिताजी थे उन्होंने ये लॉटरी ऑफ कास्केट को सेट करके पोर्शिया के पास गए थे। तो इस कास्केट के बारे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, पर तभी भी जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू इट। यहाँ पे क्या होता है कि तीन कास्केट है, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का और एक लेड का। और वो तीनों कास्केट में से एक कास्केट में पोर्शिया का पोर्ट्रेट, मतलब उसका एक छोटा सा पेंटिंग है। तो जो भी सूटर आके वो सही कास्केट चूज करेगा, पोर्शिया उसकी हो जाएगी। मतलब पोर्शिया को उसे शादी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डील ऑफ द बॉन्ड। इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में स्पेसिफिकली जो एक वीडियो होगा उसमें मैं आप सभी को बता दूंगा। बसानियो वॉन्ट्स टू वू पोर्शिया और विन पोर्शिया थ्रू द लॉटरी ऑफ कास्केट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पोर्शिया इज नॉट अ कॉमन सिटीजन ऑफ बेलमोंट, बट शी इज द फ्यूचर क्वीन ऑफ बेलमोंट। Now we have to understand that Bassanio wants to propose somebody who is extremely rich or powerful. She is the upcoming queen of Belmont. So he cannot go empty-handed. वो खाली हाथ नहीं जा सकता है। अगर एक महारानी को प्रपोज करने जा रहा है तो मतलब वो ढेरों gifts, he will make his entry in a royal manner and then he will go and play the lottery of caskets. So for traveling to Belmont to woo Portia or to win Portia, he needed some money. And the total amount of money is 3,000 ducats. Ducats was the currency or the major type of gold coin which was used in that era. So 3,000 ducats he needed in total in order to travel to Belmont and woo Portia. जिन लोगों को पहले से बसानियों के बारे में नहीं पता होगा तो उन लोगों को अभी अंदाजा हो ही गया होगा कि अगर बसानियों को पैसा का जरूरत है तो किसके पास जाएगा। तो ऑब्वियसली वो अभी सबसे पहले जाएगा अपने फ्रेंड एंटोनियो के पास। यहाँ पे जब बसानियो एंटोनियो के पास पहुँचता है अपना रिक्वेस्ट को लेके, तो यहाँ पे एंटोनियो इज ऑलरेडी इन अ मेलनकली मूड। मतलब वो ऑलरेडी उदास है। उसका कुछ कुछ रीजंस में से एक रीजन होता है कि उसका शिप्स अभी तक वापस नहीं आया। ठीक है, तो मतलब वो जबकि एक मर्चेंट है तो उसका पूरी बिजनेस या फिर पैसा डिपेंडेंट है उसका शिप्स पे। ठीक है, जो आएगा तभी जाके उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये टाइम पे एंटोनियो का शिप्स वापस नहीं आया हुआ है। अभी एंटोनियो तो बसानियो का हेल्प नहीं कर पाता है, पर वो बसानियो को बोलता है कि तुम जाओ और तुम कोई भी एक दूसरे मनी लेंडर से मेरे नाम पे
लोन ले लो, मतलब तुम पैसे लो पर उसका वो पैसे को रीपे मैं करूंगा। बेसानियो क्या करता है, ये जाता है वो वेल्दी ज्यू के पास, मतलब शाइलॉक के पास, और शाइलॉक के पास जाके 3,000 डकेट्स का लोन मांगता है। ठीक है, तो यहीं पे स्टोरी का एक मेजर प्लॉट आता है जिसके बारे में मैं समझाऊंगा शाइलॉक का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, तो इसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट होता है जिसके बारे में आपको जानने के लिए मेरा बाकी का कैरेक्टर्स का वीडियो देखना पड़ेगा। तो अब लेटर ऑन क्या होता है, बेसानियो सही तरीके से बेलमोंट भी पहुंच जाता है और वो राइट कास्केट चूज कर लेता है, एंड देन ही मैरिज पोर्शिया। ओके, सो दिस वाज द बेसिक प्लॉट ऑफ बेसानियो। आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।